साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। केरल के एक मंदिर में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब वहां एक उत्सव के दौरान हजारों की भीड़ जमा थी और मंदिर के पास पटाखों के स्टोरेज में अचानक आग लग गई। ये बड़ा हादसा केरल के कासरगोड जिले में नीलेश्वरम के पास एक मंदिर में हुआ है जहां दिवाली से पहले उत्सव मनाया जा रहा है। पटाखों में आग लगने और उसमें धमाका होने से उत्सव में 150 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंदिर के पास ही पटाखों का गोदाम था जिसमें आग लगने से ये हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को संदेह है कि वीर काबू मंदिर के पास आतिशबाजी स्टोरेज में आग लगने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। घायलों को कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के अस्पतालों में ले जाया गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आतिशबाजी के गोदाम में आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं चल सका है। चिंताजनक स्थिति को देखते हुए कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख सहित जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं केरल पुलिस ने FIR दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मंदिर उत्सव के 2 आयोजकों को हिरासत में ले लिया गया है। कासरगोड जिला कलेक्टर ने पुष्टि की है कि आतिशबाजी के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी है। इस बीच सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। बता दें कि 28 अक्टूबर सोमवार को आतंकियों ने सेना के वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसके बाद सेना ने सर्च अभियान चलाया था। जम्मू कश्मीर में बीते दिन सोमवार को हुई घटना के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार सेना की एम्बुलेंस के गांव से गुजरते समय सेना के वाहन पर गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद सेना और पुलिस ने गांव और आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू कर दिया था। इसके बाद छुपे आतंकियों के साथ जवानों की मुठभेड़ शुरू हो गई थी जो आज भी जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के शपथ लेने के बाद से आतंकी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के बाद से पिछले 12 दिनों में 4 बड़ी आतंकी वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों सहित 12 लोगों की जान गई है। बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को आतंकियों ने बारामूला जिले के बोटा पत्थर गुलमार्ग इलाके में सेना के एक वाहन को निशाना बनाया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए और सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर की मौत भी हुई थी। हरियाणा के जींद से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसा रोहतक के संपाला कस्बे के पास हुआ। 4-5 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं। छलांग लगाने से कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। आग के कारण पूरा कोच धुएं से भर गया और काला पड़ गया। रेलवे कर्मचारियों ने सवारियों की मदद से आग पर काबू पाया। राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार जींद से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन जब संपाला के पास पहुंची तो एक डिब्बे में धमाका हो गया। देखते ही आग फैलने लगी तो यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और चीखना शुरू कर दिया। किसी ने चेन खींचकर ट्रेन को रोका तो इसी दौरान कुछ लोग ट्रैक पर ही कूद गए और चोटिल हो गए। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक मशहूर स्ट्रीट फूड विक्रेता से मोमोज खाने के बाद लोगों में फूड पॉइजनिंग की समस्या फैल गई है। उन्हें गंभीर पेट दर्द, उल्टी और दस्त के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा कम से कम 20 लोगों के बीमार पड़ने की सूचना है। बीते 25 अक्टूबर को मोमोज खाने से बीमार हुए पीड़ितों ने सोमवार 28 अक्टूबर को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फूड स्टॉल मालिक पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार 31 वर्षीय रेशमा बेगम, उनके बच्चे और सिंगत कुंटा बस्ती के कई अन्य लोगों ने बीते 25 अक्टूबर को मोमोज खाए थे। 26 अक्टूबर को उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे और वे बंजारा हिल्स के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए गए। रेशमा बेगम की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बंजारा हिल्स पुलिस ने मोमो विक्रेता की पहचान 19 वर्षीय मोहम्मद राजिक के रूप में की है और स्टॉल मालिक 35 वर्षीय मोहम्मद अरमान के खिलाफ FIR दर्ज भी की है।
खबर बरेली से है, जहां बरेली जिला अस्पताल के कर्मचारी नीरज वाल्मीकि आत्महत्या के मामले में सोमवार को 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इनमें पिता पुत्र भी शामिल हैं। SC ST एक्ट में दर्ज मामले की विवेचना CO तृतीय करेंगे। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जाटापुरा निवासी नीरज जिला अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। शुक्रवार को नीरज ने अपने बंद घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। इससे पहले उन्होंने 7-7 मिनट के 2 वीडियो बनाकर इज्जत नगर पुलिस और पड़ोसी दबंग राम भरोसे के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। नीरज की पत्नी ने इज्जत नगर के थाने में तहरीर देकर राजवीर राम भरोसे व राम भरोसे के 2 बेटों हरीश और श्याम को नामजद कराया था। चारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की गई। मुकदमा दर्ज कर इज्जत नगर पुलिस ने राम भरोसे, श्याम और राजवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं हरीश की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। हरीश रांची में रहता है, पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही पेज को फॉलो करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।